नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शहर ले जाते हैं इलाज कराने। हाँ चलो 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 बेटा। साहब ये गहने गिरवी रख के मुझे रुपए दे दीजिए। कहीं चोरी करके तो नहीं लाए हो? चुरा कर? नहीं साहब, मैं अपने परिवार के साथ गांव से आया हूँ। मेरा बेटा अस्पताल में बेहोश पड़ा है, जब तक मैं 30,000 रुपए जमा नहीं करूंगा उसका इलाज नहीं होगा। ये मंगलसूत्र भी रखोगे? साहब मुन्ना को बचाने के लिए मैं अपने आप को गिरवी रख सकता हूं। मेहरबानी करके पैसे जल्दी दे दीजिए मुझे, मेरे पास वक्त नहीं है। नहीं छोड़ दो बेटा, मेरा बैग। चोर पकड़ो, मेरा बैग ले पकड़ रहा है। यहाँ लूटने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ किसी ने बताया नहीं कि ये एरिया मेरा है, जो कुछ भी करूंगा मैं करूंगा। चला भाग यहाँ से, 1 2 3 ये। बेटा बेटा तुम आदमी नहीं देवता हो, तुमने मेरा रुपया बचा दिया, अब मेरा बेटा भी बच जाएगा। ये 30,000 रुपए है ना, ये मुझे अस्पताल में जमा करना है। कौन हो तुम? मैं सहदेव शर्मा हूँ, और ये मेरे रुपए हैं। कौन सा रुपए? यही रुपया, मेरा बेटा बहुत बीमार है। अच्छा, और जब तक ये रुपए नहीं दूंगा डॉक्टर उसका इलाज नहीं करेगा। अच्छा देखो, जैसे ही मेरे हाथ में रुपया आ जाता ना, मैं दुनिया के दुख दर्द से बहुत दूर चला जाता हूँ। तब ना डॉक्टर, ना दवा, ना मरीज, कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरा क्लब, दारू, खाना पीना, मौज मस्ती। नहीं बेटा, बेटा ये पैसे मुझे वापस कर दो, मुझे डॉक्टर को ये पैसे देने हैं। चल हट बेटा, बेटा बेटा मेरा बेटा मर जाएगा। नहीं बेटा, मेरा बेटा मर जाएगा। मुलजिम शंकर, तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि तुम 15 जनवरी को श्री सहदेव शर्मा के हाथ से रुपए छीनकर भाग गए।
हुजूर, आप तो जानते ही हैं ये मेरा पेशा है। तुमने चोरी को अपना पेशा बना रखा है? हुजूर, जिसका बचपन भूख और भीख से शुरू हुआ हो, उसकी नजर में जिंदा रहने के लिए किया गया कोई भी काम गुनाह कैसे हो सकता है? मुल्जिम शंकर, तुमने ये कबूल किया है कि चोरी करना तुम्हारा पेशा है, मगर तुम ये भूल गए कि ये एक कानूनी अपराध है, लिहाजा ये अदालत तुम्हें चोरी करने के जुर्म में 1 साल की सजा सुनाती है। हरामजादे, अगर मेरे बस में होता तो जेल की बजाय मैं तुझे इस दुनिया से बाहर भिजवा देता। तुम जैसे लोग समाज के वो गंदे कीड़े हो जिनका ना तो जीने का कोई मकसद है और ना मरने का। मैं तुझे मार डालूंगा, मार डालूंगा। तेरे पैसे तो तुझे मिल गए। इंस्पेक्टर समझा यार। आशी, आप ये क्या कर रहे हैं? इसने जो कुछ भी किया उसकी सजा अदालत दे चुकी है। इसे सजा कहते हैं? तो क्या तेरे लिए फांसी पे चढ़ जाऊं? ए मास्टर, खोपड़ी मत खिसका क्या? थोड़ा सा प्यार से बात करने लगा तो होशियारी करने लगा। तेरे पैसे तुझे मिल गए, ऊपर से चिल्ला भी रहा है। तेरे इस फालतू सवाल का जवाब मैं यहाँ नहीं दूंगा। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, मैं हाथ जोड़ता हूँ, इस आदमी को एक बार मेरे साथ आने दीजिए। आपकी मेहरबानी होगी इंस्पेक्टर, एक बार इस आदमी को मेरे साथ आने दीजिए। देख, देख ले तूने ये क्या किया। तू जानता है ये कौन है? जानता है तू? ये मेरे घर का इकलौता चिराग था जिसे तूने बुझा दिया। अगर तूने रुपया नहीं लूटा होता तो मैं इसे बचा सकता था। जीने से पहले ही तूने मेरे बेटे की जिंदगी छीन ली। तूने एक रात की मौज मस्ती के लिए तूने एक मां को आंसू में डुबो दिया, हमारे हमारे जिंदगी का सहारा छीन लिया। देख जालिम, देख, मत समझना तू बच गया, मत समझना हमारी आह तुझे 1000 साल के लिए नरक की आग में जलाती रहेगी, जलाती रहेगी। तू जिंदगी भर तड़पता रहेगा हरामजादे। ए, क्यों आवाज कर रहे हैं? क्यों चिल्ला रहे? देखते नहीं मेरा मुन्ना सोया है? चुप चुप रहना, जाग जाएगा। मुन्ना तू सो जा बेटा, हाँ तू सो जा, तू सो जा, हाँ सो जा बेटे, सो जा। देख सालिम, मत समझना कि तू बच जाएगा, हमारी आह तुझे 1000 साल के लिए नरक की आग में जलाती रहेगी, जलाती रहेगी, जलाती रहेगी, जलाती रहेगी, जलाती रहेगी। देख सालिम, मत समझना कि तू बच जाएगा, हमारी आह तुझे 1000 साल के लिए नरक की आग में जलाती रहेगी। आज तुम्हारा रिलीज ऑर्डर आ गया है, अब कब आने का प्रोग्राम है? मुझे उस आदमी का पता चाहिए जरा साहब, जिसने मुझे इस बार जेल भेजा था। क्यों, उससे बदला लोगे? जी नहीं, उसके सामने अपने आप को सजा देनी है। सजा तो काट चुके हो। ये सजा तो चोरी की थी। फिर दूसरा गुना क्या है? खून। खून किसका? उसके बेटे का। उस गुना को कानून तो पकड़ नहीं पाया, मगर मेरे दिल ने पकड़ लिया है। ऐसा लगता है कि तुम जैसे एक चोर के दिल में वाल्मीकि जन्मा है। टांग तो कट चुकी है फिर भी बहादुरी दिखा रहे हो, दूसरी टांग भी काट दी जाएगी, समझे? चलो। हे भगवान, क्या इस गांव को बचाने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है क्या?
जाती कहाँ है आजा रे आजा तेरी भगवान के लिए छोड़ दो मुझे तुझे बचाने कोई नहीं आ सकता भाई रूल एंड रेगुलेशन तू है कौन ये बाद में बताऊंगा मैं कौन हूँ पहले ये जान ले मैं हूँ क्या दिवाले रूल्स रेगुलेशन से अपने आप को सुधार ले वरना ये गांव इतना बड़ा नहीं जहां मैं भी रहूं और तू जैसा अफसर भी रहे समझे शुक्रिया चंपा मुझे ये नहीं चंपा मेरी बहन चंपा मत रो जवान मस्तान बाबा का सलाम और दुआ दोनों कबूल करो तुम्हें देखकर ऐसा लगा जैसे मेरा कटा हुआ पाँव मुझे वापस मिल गया आप मैं भी कभी तुम्हारी तरह था मेरी तरह होना अच्छी बात नहीं है बनाओ मत भाई जो शख्स खूनी भेड़ियों के शिकंजे से मेरी बहन की आबरू को बचा कर ला सकता है वो कहे कि मेरी तरह होना अच्छा नहीं है मैं पहचानता हूं इस गांव को जिस इंसान का इंतजार था वो तुम्ही हो अरे मुन्ना अरे मुन्ना मेरा मुन्ना आ गया मेरा मुन्ना आ गया मेरा मुन्ना आ गया मुन्ना मुन्ना मेरा मुन्ना मेरा मुन्ना आ गया मेरा मुन्ना कहां था तू इतने दिन देख तेरी माँ कब से तुझे तलाश कर रही है चल चल घर चल हाँ चल बेटे चल चल बेटे आ बेटे बैठो बेटे अजी सुनिए तो देखो कौन आ गया है मेरा मुन्ना आ गया है हमारा मुन्ना आ गया है जल्दी आओ ना जल्दी आओ ना देखो हमारा मुन्ना आ गया है मुन्ना तू भूखा है ना मुझे मालूम था तू भूखा होगा इसलिए मैंने तेरे लिए खाना बना के रखा है तू बहुत रोता था ना मेरे लिए हाँ माँ मैं माँ के लिए 30 साल से रो अब तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा ना बेटा नहीं माँ बेटा तू मेरे लिए गहने लाया है ना बेटे की कमाई पर माँ को बहुत गर्व होता है मेरा बेटा दुनिया में सबसे अच्छा है बहुत अच्छा है मेरा बेटा सबसे अच्छा है मेरा बेटा तुम यहाँ कैसे आ गए देखो जी मेरा मुन्ना आ गया है निकल जाओ यहाँ से मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से मैं माँ को छोड़कर कह नहीं जाऊंगा ये पागल औरत ये नहीं जानती कि जिसे वो अपना बेटा कह रही है वही उसके बेटे का कातिल है अपने बेटे को डांट रहे हो जब बाप बेटे को डांटे तो माँ को वहाँ नहीं रहना चाहिए मैं जाती हूँ बेटा यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैं यहाँ अपने बाप का प्रायश्चित करने आया इतनी बड़ी दुनिया है कहीं भी जाके मरो मेरे घर क्यों आए हो क्योंकि गुनहगार मैं आपका हूँ आपके सामने प्रायश्चित करूंगा जब तक तुम मेरे सामने रहोगे मैं चिता की आग में जलता रहूंगा अब जाओ यहां से जाओ निकलो बाहर कोई बात नहीं मेरे घर चलो
यही मेरा घर है। घर क्या? ये पूरा गांव तुम्हारा है, लेकिन इस वक्त ये तुमसे नाराज है। माँ बाप तो बच्चों से नाराज होते ही हैं। देखो बेटा, बहुत जल्द रात होने वाली है, कहाँ रहोगे? गांव के मंदिर में। दिखने में तो तुम बहुत बहादुर लगते हो। शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान याद रखूंगा। वादा? वादा नहीं, वचन। जय काल भैरव, चलती हूँ। सावधान रहना, ये इलाका जहरीले सांपों का है। मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार। उस दिन अगर पिताजी को मैं पैसा वापस दे देता तो तेरा इलाज हो जाता, तो आज मां की हालत न होती, ना ही पिताजी को यह दिन देखना पड़ता। मैं गुनहगार हूं ना, मैं अपने इस घोर पाप का प्रायश्चित करूंगा मुन्ना, और अपने खून की एक एक बूंद से अपने गुनाह को धोऊंगा। मैं तुम्हारी समाधि को छूकर कसम खाता हूं, आज से मैं ना रहा, तुम हो गया। तुम्हारे माता पिता आज से मेरे हैं।